बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद कितने दिनों में ख़त्म करे? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरो बिन आस रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैंने पूरा कुरान मजीद हिफ्ज़ किया और फिर एक ही रात में इसे पढ़ा, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ख़तरा है कि ज़माना तुझ पर लंबा हो जाएगा और तू उकताहट का शिकार हो जाएगा, इसलिए एक माह में कुरान मजीद मुकम्मल कर। वो कहते हैं, मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे इजाज़त दे, मैं अपनी कुव्वत और जवानी से फ़ायदा उठाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, 20 दिन में कुरान मुकम्मल पढ़ लो। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे इजाज़त दे, मैं अपनी कुव्वत और जवानी से फ़ायदा उठाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, 10 दिन में पढ़ लो। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे इजाज़त दे, मैं अपनी कुव्वत और जवानी से फ़ायदा उठाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, 7 दिन में कुरान मुकम्मल कर लो। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे इजाज़त दे कि मैं अपनी कुव्वत और जवानी से फ़ायदा उठाऊँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इससे कम मुद्दत में कुरान मजीद ख़त्म करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। मुस्नद अहमद, हदीस नंबर 11814। इसी तरह की अहादीस के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें।